नमस्कार, मैं हूं शारंग कट्टी, आपका करियर और एडमिशन मेंटोर। सबसे पहले मेरे तरफ से, मेरे अस्मी टीम के तरफ से आप सभी लोगों को दशहरे की और विजयादशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का जो वीडियो बना रहा हूं वो एनटीए ने जो नीट का नोटिफिकेशन जारी किया है उसके रिगार्डिंग। आपको सबको पता ही है कि नीट के तरफ से जो OMR शीट सबको ईमेल पे आ रहे थे वो बहुत से लोगों को पहुंचे हैं और बहुत से लोगों तक अभी तक पहुंचे भी नहीं है। पर अब उसका कोई इशू नहीं है आपके लिए, आपका ईमेल वेरीफाइड है नहीं है, आपको ईमेल पे वो OMR रिसीव हुई है या फिर नहीं भी हुई है, कुछ इशू नहीं, क्योंकि नीट के तरफ से वो ऑफिशियल OMR शीट और ऑफिशियल आंसर की हमारे पर्सनल लॉगिन में अवेलेबल हो चुकी है। तो वो कैसे चेक करना है और हम हमारा कैसे एग्जैक्ट रिजल्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, ये दिखाने के लिए मैं आज का वीडियो बना रहा हूँ। बहुत सारे हेल्पलाइन पे कॉल आ रहे हैं कि सर ये OMR शीट कैसे खुलेगी और वो चैलेंज कैसे करना है, अगर हमें चैलेंज नहीं करना है सिर्फ हमारा रिजल्ट चेक करना है तो हमें ये प्रोसीजर कैसे फॉलो करनी पड़ेगी। तो देखते हैं कि आज का वीडियो जिसमें आपको ये पूरा प्रोसीजर पता चल जाएगा और आप अपने मार्क्स एग्जैक्ट कैलकुलेट कर पाओगे। पहले तो आपको जैसा दिख रहा है कि neetnta.nic.in इस वेबसाइट पे हमें जाना है, वहां पे ऊपर ही आपको नोटिफिकेशन दिखाई देगा कि चैलेंज ऑफ प्रोविजनल आंसर की रिकॉर्डेड रिस्पॉन्सेज एंड डिस्प्ले ऑफ स्कैंड इमेज ऑफ OMR आंसर शीट इज अवेलेबल। अब उसको देखने के लिए हमें स्क्रॉल डाउन करना है, एडमिट कार्ड के ऊपर व्यू एंड चैलेंज आंसर की का ऑप्शन है, सो उस पर अगर हम क्लिक करेंगे तो हमारा नॉर्मल जो लॉगिन है वो हमारा ओपन हो जाएगा। सो लॉगिन में आपके पास एप्लीकेशन नंबर आप खुद का होगा, वो आपको एप्लीकेशन नंबर डालना है, आपके पास आपका पासवर्ड भी है वो आपको यूज करना है और नीचे जो कैप्चा दिया है वो हमें यहाँ पे एंटर करना है। सो आप लॉगिन करोगे, लॉगिन करने के बाद रेगुलर जैसे विंडो दिखाई देगा जहाँ पे हमने फेज टू का रजिस्ट्रेशन किया था वही सारा विंडो दिखाई देगा। सिर्फ आपने अगर ईमेल वेरीफाई किया है तो वेरीफाइड दिखाई देगा, आपने मोबाइल नंबर वेरीफाई किया है तो वेरीफाइड दिखाई देगा, बाकी कुछ नहीं। यहाँ पे डाउनलोड एप्लीकेशन जो हमने कन्फर्मेशन पेज फर्स्ट फेज या फिर सेकेंड फेज भरने के बाद हमें मिला था, फर्स्ट फेज और सेकेंड फेज दोनों को कन्फर्मेशन पेज में कुछ भी डिफरेंस नहीं था वो दिखाई देगा। और अगर उसके नीचे देखेंगे तो दो ऑप्शंस और दिए गए हैं, एक तो चैलेंज या फिर व्यू का हमारी आंसर की के लिए और सेकेंड जो है वो व्यू या फिर चैलेंज OMR शीट के लिए। सो पहले तो मैं ये OMR शीट के बारे में बताता हूँ, अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो ये ऐसा विंडो ओपन हो जाएगा, क्लिक हियर टू व्यू एंड चैलेंज रिकॉर्डेड OMR, और उस पर अगर आप देखोगे तो नीचे आपको सारे रिस्पॉन्सेस आपने जो नीट के फॉर्म के नीट के एग्जाम के वक्त फिलअप किए थे वो दिखाई देंगे, आपका रोल नंबर, बुकलेट नंबर, ये सब हम यहाँ पे शोकेस होगा और एक्चुअल आपने जो रिस्पॉन्सेज दिए थे जो आपने टिक किए थे वो आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। तो इसका हम प्रिंट भी निकाल सकते हैं और इसका प्रिंट पे हमें ये सारा चेक करना है, या फिर आप सिंपल काम कर सकते हो, 1, 2, 3, 4 आपके रफ बुक में रेडी करो आपका रिस्पांस क्या है और जो दूसरा मैं नीट आंसर शीट दिखाने वाला हूँ वहाँ का रिस्पांस क्या है वो आपको चेक करना है और आपको आपके आंसर्स कैलकुलेट करने हैं। सो ये हो गया पार्ट नंबर 1 जहाँ पे हम हमारी एक्चुअल OMR शीट, OMR शीट मतलब ये जो हमने एक्चुअल आंसर्स दिए थे वो देखने वाली शीट हमें यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी। ये हमारी ही शीट है, हमारा रोल नंबर, हमारा हैंडराइटिंग, हमारी सिग्नेचर, ये सब कुछ हम यहाँ पे पूरा देख सकते हैं, ठीक है। सो इस पे अगर कुछ किसी को डाउट है तो हम चैलेंज भी कर सकते हैं, अगर ये आपको लगता है कि एप्लीकेशन जो आपको भेजा गया है वही गलत है तो वहाँ पे ही आप OMR को ही क्लिक करके चैलेंज रिकॉर्डेड OMR पे जाके आप अपना क्लेम कर सकते हो। पर 99.99 स्टूडेंट्स को ये एग्जैक्ट OMR ही मिली है। उसके बाद हमें क्या करना है, सो होम पेज पे आने के बाद हमें पहले वाला ऑप्शन हमें देखना है कि आंसर की जो है वो एग्जैक्टली क्या है। तो आंसर की जो एक्चुअल NTA ने करेक्ट आंसर्स डिक्लेयर की है उसका रिकॉर्ड हमें यहाँ पे मिलेगा। सो व्यू स्लैश चैलेंज आंसर की पे हमें क्लिक करना है। सो हम जहाँ वहाँ पे अगर क्लिक करेंगे तो एक्चुअली आपके सेट के हिसाब से जो भी आपको सेट था, बुकलेट नंबर होगा, उसके हिसाब से ही आपको वहाँ पे आंसर्स अवेलेबल होंगे। सो ये आ गए हमारे आंसर्स
सो 1 2 पूरे मतलब बाय सेक्शन सारे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के सारे क्वेश्चंस यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। जो आपने रिस्पॉन्ड किया है वो यहाँ पे नहीं दिखाई देगा, पर जो एक्चुअल करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे दिखाई देगा। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 का इस सेट का आंसर अगर 4 है तो 4 दिखाई देगा। ये हमें कंपेयर करना है हमारे OMR के प्रिंट के ऊपर, या फिर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो आप दूसरे टैब में ओपन करके उसको कंपेयर करके रिजल्ट निकाल सकते हो। सो ये हो गया कंपैरिजन करके हमारा रिजल्ट कैसे बनाना है। इसके लिए अगर आपको रिजल्ट पे चैलेंज देना है, अगर आपको लगता है कि ये फर्स्ट का क्वेश्चन का आंसर 4 नहीं 1 आना चाहिए जो मैंने टिक किया था, तो मैं कैसे चैलेंज करूँ, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा ऑप्शन ऑप्शंस या फिर आईडी जो भी है। आपको लगता है एक आंसर करेक्ट है या फिर 1 2 3 4 सब करेक्ट है, तो अकॉर्डिंगली आपको उस पर टिक करना है जो भी आपको आंसर्स करेक्ट लगते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं इस 4 में से किसको भी कौन सा भी आंसर करेक्ट ही नहीं है, तो नन ऑफ दीज पे क्लिक करना है। कंसिडर करते हैं कि आपको लगता है एक नंबर आंसर करेक्ट है, तो आपको जितने भी आपको क्वेश्चंस करने हैं वो 1 2 3 4 जो भी क्वेश्चंस है वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। उससे ज़्यादा तो शायद ही किसी के क्वेश्चंस रहेंगे। यहाँ पे नीचे जो भी हमने ऑप्शन सिलेक्ट किया है उसके रिगार्डिंग रेफरल कोई डॉक्यूमेंट है हमारे पास, बुक्स का फोटो है, जो भी आप लिखना चाहते हो एक्सप्लेनेशन, वो अपलोड करने का चांस है। इसमें हम PDF JPG मतलब फोटो अपलोड कर सकते हैं। अगर आपको नहीं करना है तो वो आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हो, कंपलसरी नहीं है। उसके बाद सबमिट योर क्लेम पे जाना है। पूछेगा कि फाइनल है क्या, इतने ही ऑप्शन करने हैं क्या आपको सबमिट, तो अगर हम यस बोलेंगे तो वो फॉर्म आगे जाएगा। फॉर्म आगे जाने के बाद वहां पे आपको पेमेंट की विंडो नजर आएगी। ऐसे दिखाई देगा हमें फॉर्म, आपका नाम रोल नंबर वगैरह सब कुछ रहेगा, और यहाँ पे आपने जिस क्वेश्चन पे क्लेम किया है वो क्वेश्चन नंबर, आपका जो आंसर है जो आपको लगता है वो यहाँ पे दिखाई देगा, और जो NTA की तरफ से जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे दिखाई देगा। आपको बाद में लगा कि नहीं कुछ चेंजेस करना है, तो मॉडिफाई योर क्लेम पे क्लिक करके आप पिछली विंडो पे जा सकते हो और वहाँ पे जो भी आपको एडिट करना है वो एडिट कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि नहीं ये इतने ही क्वेश्चंस मुझे टिक करने थे और मुझे कौन से क्वेश्चंस ऐड नहीं करने हैं और जो भी मैंने ऐड किया है वो करेक्ट दिया है, तो उसके बाद आपको सेव योर क्लेम एंड पे फॉर फीस पे क्लिक करना है। अगले विंडो पे आपको पेमेंट करना पड़ेगा। पेमेंट करने के बाद आपका रिस्पॉन्स आपका आंसर NTA की तरफ चला जाएगा। NTA की टीम वो चेक करेगी, अगर आपका आंसर आपका एक्सप्लेनेशन उनको करेक्ट लगता है तो वो डेफिनेटली सब लोगों को चेंज करके आंसर अकॉर्डिंगली मार्क्स एक्चुअल जो रिजल्ट में चेंज करके आपको दे देंगी। एक इसमें इम्पॉर्टेंट बात कि अगर आपको लगता है कि ये एक आंसर आप ही टिक करके सबमिट करेंगे तो ही आपको ये प्लस या फिर माइनस मार्क हो सकता है, तो ये गलत फैमिली है। किसी ने भी अगर क्लेम किया और उसका क्लेम अगर राइट है तो उसका इम्पैक्ट सब पे होगा। उसका अगर आंसर करेक्ट आता है तो दूसरे का गलत ऑटोमेटिकली होगा और अकॉर्डिंगली सबका रिजल्ट ऊपर नीचे हो सकता है। तो फाइनल आंसर की 18 के बाद डेफिनेटली डिक्लेयर होगी और अकॉर्डिंगली हमारा रिजल्ट पब्लिश होगा। NTA ने क्लियर मेंशन किया है कि जो भी ये क्लेम में मेंशन करेंगे पेमेंट करेंगे उनको वो आंसर नहीं करेंगे कि हाँ आपका हमने सुझाव कंसिडर कर लिया है और हम ऐसे ऐसे अकॉर्डिंगली चेंज करेंगे। वो NTA डायरेक्टली अपनी नई आंसर की डिक्लेयर करेगा और रिजल्ट में वो मेंशन करके चेंजेस अकॉर्डिंगली आपको रिजल्ट दे देगा। ये सब होने के बाद आपको लॉग आउट करना है प्रॉपरली, और लॉग आउट करने के बाद आपका अपने पास रिजल्ट होगा, और उसके बाद आपको असमी टीम से कांटेक्ट करना है क्योंकि आप जल्द ही सारा काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा। आपको प्रोसीजर के बारे में भी काउंसलर्स को पूरा जानकारी देना पड़ने वाला है, आपके स्कोर के हिसाब से आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा ये भी जानकारी देनी है, सारे प्रेफरेंसेस रेडी करके आपका कॉलेज अलॉटमेंट होने तक आपको जो कॉलेज मिलने वाला है उसका फीस का अरेंजमेंट आपके पेरेंट्स को करना पड़ने वाला है, डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग भी आपको सारी तैयारी करनी पड़ने वाली है। हरी अप, जल्दी से जल्दी असमी टीम को कांटेक्ट कीजिए, हेल्पलाइन पे कांटेक्ट कीजिए और अपना एडमिशन मेडिकल का एडमिशन का ड्रीम सक्सेसफुल कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।